बांदा की डीजे मंडी शांत पड़ी हुई है। चुनावी धंधा इस बार ठंडा है। अब डीजे मंडी में शादियों के सीजन से उम्मीद लगा रहे हैं धंधे के चलने के लिए। गाड़ियों का बिजनेस करने वाले भी इस बार चुनाव से निराश है। आपने कैसे बदलते देखा है एक बांदा शहरी होने के नाते चुनावी प्रचार को बचपन से और अब तक क्या देखा? अरे अभी तक तो बड़ा जोर शोर से चलता रहा, लेकिन इस साल से कुछ गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, इस वजह से बिल्कुल नॉर्मल लग चुके। पर जोर शोर में जोर और शोर क्या था? अरे जोर शोर कहने डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, गाड़ियों में लगे पोस्टर बैनर और मतलब सब जो है बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता था। जी उन्होंने तो उसमें कांग्रेस जी की गाड़ी निकली तो तब तब से गाड़ियां पीछे लगी हैं, भले ही दो दो लोग बैठे हुए हैं और पोस्टर बैनर और तमाम दुनिया भर का सब जो है गाजे बाजे के साथ। कांग्रेस पार्टी निकली तो वो अपना वो बताया, दूसरे का विरोध किया बाहर बैठे लोग। इसके पहले चुनाव के सीजन में पोस्टर बैनर गाड़ियां, चुनाव के इस मेले में भले ही दो ही लोग हों गाड़ियां दस रहती थी। गाजा बाजा डीजे एक तरह से प्रत्याशियों के बीच कंपटीशन लग रहा था कि किसके पास ज्यादा संसाधन है। इस बार प्रशासन ने इन सब खर्चों पर सख्ती की है। चुनावी रंगारंग माहौल में सभी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जी जान से लग गए हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते हुए पोस्टर बैनर गाड़ियां सब कुछ रोक दिया गया है। देखना दिलचस्प यही है कि ये सब होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, बस बात यह है कि उनको मुंह खोलने से रोक दिया गया है। बांदा के समाजवादी पार्टी के जिला ऑफिस में राम मनोहर लोहिया की एक तस्वीर आधी छिपी हुई नीचे देख रही है। शायद ऑफिस में रखे मिठाई के डब्बों से थोड़ा नाखुश। फूल मालाएं बिस्लेरी की बोतलें तो हमेशा मिल ही जाती हैं। उम्मीदवार के घर में बड़े से जनरेटर और कूड़ों का ढेर और बड़ा होता जा रहा है। लक्ष्मी त्रिपाठी स्थानीय राजनीति शास्त्र के टीचर और भी बदलाव के बारे में बताते हैं। चुनावी सीजन में क्या शादी से ज्यादा मुनाफेदार रहा है चुनाव उनके लिए, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। उसका कारण ये हो गया ना कि कोई भी चुनाव अब अर्थ की जगह अनर्थ से ज्यादा जुड़ गया और अर्थ बेस्ड में मतलब केवल उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी, केवल पैसे कमाने का जरिया हो गया। समाजवादी पार्टी उन 26 पार्टियों में है जिन्होंने 2014-15 में 20,000 रुपए से ऊपर मिले चंदे का खुलासा नहीं किया है। बांदा में चुनाव के सीजन में इस साल हो रहे खर्च क्या छुपे तरीके से हो रहे हैं?